सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड पुलकित एंड आई एम परसुइंग एमबीबीएस इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो आज हमारे साथ है विकसित यादव, मेरे ही बैचमेट है, सफदरजंग में है। इनके कितने नंबर थे आपके? माय नीट स्कोर वाज 695 एंड माय ऑल इंडिया रैंक वाज 468। अच्छा, 468, तो काफ़ी अच्छी स्कोर है हमारे जैसे के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी, मेरी तो कितनी थी, मेरी तो शायद 4000 कुछ थी, याद भी नहीं है, क्या ही फायदा याद करके। देखो यही होता है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने नंबर ला रहे हो, कितनी आपकी रैंक आती है, लास्ट में ये मैटर करता है आप कौन से कॉलेज में हो। इस ये भी मेरे ही कॉलेज में, मैं भी इसी, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं रहा, अब ये भी सेम लेवल पर, मैं भी उसी लेवल पर हूँ। तो बस आज आपके लिए, ड्रॉपर्स के लिए मेनली, अब जो 20-25 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो मैंने सोचा कि एक 20-25 दिन में कैसे इफेक्टिव वे में आप मतलब क्या क्या कर सकते हो जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी इस टाइम पे, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है। और मैं तो क्या मानता हूँ ना कि लास्ट के एक दो दिन हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिमाग में फिर वो होता है, ये भी याद कर लेता हूँ मैं, वो भी याद कर लेता हूँ, एक साथ रखेगा कि कुछ याद नहीं है मुझे। तो मैं सोचता हूँ कि एक दो दिन पहले छोड़ देना चाहिए, आपको कैसा लगता है? देखो मेनली अगर मैं बात करूँगा तो आपका जो मेन सिलेबस मेरे ख्याल से अभी तक हो गया होगा, कि लास्ट अभी 20 डेज बचे हैं, तो आपका मेन सिलेबस अभी तक हो गया होगा। इवन अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए कि आप टेस्ट भी आपको कम देने चाहिए अभी, है ना, कि आप मॉक टेस्ट से कुछ लोग लाइक डिप्रेस हो जाते हैं कि कम नंबर आ रहे हैं लास्ट में भी, तो अभी भी ठीक है, आप मतलब एक एक टेस्ट अल्टरनेट डे पे दे सकते हो। लाइक ऐसे नहीं कि एक दिन में, इस तरह बच्चे कुछ होते हैं कि दो दो टेस्ट दे रहे हैं, इतना ज़्यादा टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि कई बार क्या होता है, कुछ टेस्ट में आपका स्कोर बहुत कम जाएगा, तो टेस्ट भले ही आप कम दो भी ठीक है, सिलेबस बार बार लेकिन आपको रिवाइज करना है। आप भले नोट्स कम पढ़ो बट आपकी एनसीईआरटी रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेशली मैं बोलूँगा लाइक बायोलॉजी सब्जेक्ट में, है ना, जहाँ पर लाइक आपको पता है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता नहीं है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी का ही सारा कंटेंट करो, ठीक है। जो क्लास नोट्स में थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट बताते हैं समझने वाला, वो थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो, लेकिन आपको मल्टीपल रीडिंग करनी है। आप ऐसे मान के चलो कि रोज़, मैं बोलूँगा कि आप इन 20 दिन में कम से कम भी आप ज़्यादा नहीं तो 5-6 रिविजन तो एनसीईआरटी बायोलॉजी के कर ही लो, ठीक है। बात करूंगा अगर मैं केमिस्ट्री के पोर्शन के लिए, तो उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक आप कर सकते हो, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री आप अभी भी जो है टेस्ट पेपर्स के थ्रू रिवाइज कर लो, ठीक है, या फिर जो टेस्ट लाइक आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हो ना, जो आप कर रहे होते हो कि ये नहीं बना था या फिर इस टाइप का कुछ, तो उस क्वेश्चन को अभी आप करो सॉल्व, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने पर चैप्टर में बोलूंगा, अगर आप अभी भी 30-40 क्वेश्चन भी कर लोगे तो डेट इज़ मोर देन सफिशियंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। IOC-OC का तो वही NCERT रीडिंग करो, ठीक है, जो नोट्स बनाए थे वो करो, ठीक है। फिजिक्स की बात करूंगा तो अभी आप सिर्फ फार्मूला शीट जो आपने बना रखे होगे पहले उनको लो, ठीक है, बार बार अपने फार्मूलाज को रिवाइज करते रहो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस तरफ, मान लो मॉडर्न फिजिक्स का मैं एग्जांपल लूँगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो मान लो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप लो, ठीक है। इस तरह मान लो तो आपको पता है कि किसी टॉपिक से थ्योरी वाले क्वेश्चन आने, सेमीकंडक्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आना है, तो आप उसकी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। इवन NCERT से एक रीडिंग करो, कई सारे टीचर्स से बोल देते हैं कि फिजिक्स के लिए इतनी NCERT जरूरी नहीं है, बट एक रीडिंग आप ले लो, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप रीडिंग भी नहीं ले पा रहे तो मैं बोलूँगा पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं ना लास्ट में, जिसमें फॉर्मूला वगैरह लिखा था NCERT में, वो तो देख ही लो। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट, तो वो वहीं से ही बनेंगे, ठीक है। बाकी तो यही है, ठीक है, बाकी आप जो फॉर्मूला शीट मैंने बोली थी वो रिवाइज करते रहे ना, और क्वेश्चंस तो लगाते रहो, ठीक है। फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है अपना एक्सपीरियंस और मिलेगा, कि ठीक है, इवन आपको कई बार लगता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, लाइक कई बार बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उन आंसर भी रट जाते हैं कुछ क्वेश्चन के, ठीक है, बट ऐसा आपको नहीं करना, आपको स्टिल सॉल्व करना है ना। कई बार होता है हाँ टेस्ट पेपर में देखा था, पिछले टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था, आंसर सेम डाल देते हैं, आता है मेरे को, नंबर तो मिल ही जाएंगे, बट नहीं, आपको सॉल्व करना है, बट ठीक है, आपको तब भी हाँ सॉल्व करना है कि हाँ ज़्यादा नहीं कर रहे सॉल्व, लग रहा है टाइम कम है तो पार्शियली तो सॉल्व करो ही, है ना, कि मेथड मेथड आप लिख लो, है ना, पेपर में लिखो साइड में कि किस मेथड से आप अप्रोच करो, बिकॉज सेम टू सेम कई क्वेश्चन आ गया ना, और अब मेन एग्जाम में एक डाटा चेंज है, आप स्टेप्स ही भूल गए, हाँ। तो ये चीज़ हो सकती है। देखो तो देखो अब ये तो मतलब मुझे लग रहा है एक टिपिकल आइडियल स्टोरी हो गई, जैसे मतलब प्रॉपर सिलेबस चल रहा है मेरा एंड प्रॉपर ही सब कुछ हर टाइम पे रिविजन किया है, बट मुझे लगता इतना आइडियल कोई अपनी जर्नी में रह पाता है, मैं भी नहीं था। मेरा तो लाइक इस टाइम पे ना ज़्यादा टेस्ट पे ही, मतलब अभी तो ज़्यादा टेस्ट ही करता था मैं, और फिर बाद में मैंने धीरे धीरे छोड़ दिए थे। आपने सही रीज़न बताया कि मतलब ऐसा होता है कि डिप्रेशन आने लग जाता है, क्योंकि पता क्या हुआ था मेरे साथ, इस टाइम पे होने लगा था कि मेरे नंबर कम होने लग गए थे, 580 के आसपास आने लग गए थे, फिर और कम हुए, फिर 560 पे अटक गए, मैं 4-5 टेस्ट दिए नहीं बढ़ रहे, तो फिर डिप्रेशन सा ही हो गया था, मतलब क्या ही फ़ायदा यह टेस्ट देने का, कि जब नंबर ही नहीं बढ़ रहे क्या ही फ़ायदा।
तो फिर तब तो मन किया था छोड़ दो यार, क्योंकि ड्रॉप वैसे था मेरा, तेरा तो पहला अटेम्प्ट था, मेरा तो ड्रॉप था ना, तो मेरा मन कर रहा था यार छोड़ दो, क्या ही करूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन नीट तो नहीं होना मुझसे। तो उस टाइम पे यही ख्याल आते हैं, और मुझे लग रहा है मेरी ऑडियंस में भी ऐसा ही होगा। तो मैं एक दूसरा अप्रोच समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक देख, ये तो तूने बता दिया कि हाँ भाई एक आइडियल ऐसी होना चाहिए। अगर मान ले मैं अभी 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 थोड़ा दिन पहले सिलेबस खत्म हुआ, अभी मैंने टास्क देने की आदत स्टार्ट की है, तो अब मैं कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं कर सक करके और अच्छा ज़्यादा गेन कर सकता हूँ। जैसे तू कह सकता है कि बायो बायो ज़्यादा पढ़नी चाहिए, मैं मानता हूँ अगर तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो जिस मोस्ट ऑफ टाइम अपना बायो में स्पेंड करो, क्योंकि बायो में आसान क्वेश्चन है और इजी स्कोरिंग आती है। क्योंकि देख फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर तू एक चैप्टर पढ़ेगा तेरे को मिनिमम 3-4 दिन लग जाएंगे भाई, पढ़ेगा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। बाकी बायो में अगर उसी को 2-4 दिन में तू 4-5 चैप्टर कर सकता है आराम से, ठीक है, तो इसका मतलब है उससे बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकता है बायो में कम टाइम में। तो ऐसा कुछ होता है कि जिससे बच्चों को फायदा हो, मतलब फिलहाल इस टाइम पे जैसे 20 दिन बच रहे हैं, तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको रिवाइज करके जाना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो अब मस्ट वॉन्टेड होती है। देखो स्पेसिफिकली अगर मैं ऐसे टॉपिक्स पे जाऊंगा तो मेनली मैं यही कहूंगा कि देखो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देख लो, ठीक है, कौन से टॉपिक ज्यादा आते हैं। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिस तरह पूरा टॉपिक है उसमें 2 चैप्टर आने हैं, उनसे आते हैं, मतलब 8-9 क्वेश्चन से ऊपर ही आते हैं, तो उनसे आने ही होते हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें पता है इकोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, लास्ट के 4 चैप्टर होते हैं, तो उनसे आएगा ही आएगा, ठीक है, उनसे 10-15 सवाल तक बन जाते हैं। इस तरह बच्चों को डाटा होता है, मैं जो बोल रहा हूँ जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अभी तक, या फिर जिन्होंने मैं बोलूंगा अभी 5-6 मंथ से पढ़ा है, डाटा तो मिल जाएगा हर जगह, मिल जाएगा डाटा हर जगह, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, ठीक है। एक चीज मैं बोलूंगा कि मान लो आपके नंबर स्टक कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि थोड़ा इंक्रीज हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, तो देखो मेन चीज इसमें ये होती है कि अभी नंबर स्टक कर रहे होंगे ना, मेरे खुद स्टक कर रहे थे, ठीक है, नीट के अगर मैं 1 महीने पहले तक की बात करूंगा तो मुझे आता है कि बस मेरे लास्ट के 5 दिन थे ना उनमें ही मेरे नंबर बढ़े थे। उससे पहले अगर मैं बात करूंगा, लाइक अपना नीट कब था, 5 मई को था ना, हाँ लगभग इसी टाइम, हाँ मई के आसपास। तो जिस तरह अप्रैल के मंथ की मैं बात करूँ तो मेरे 15 अप्रैल तक मेरा स्कोर था 610-620, इससे आज तक मेरे हाईएस्ट नहीं आया था, कभी भी नहीं आए थे। लेकिन आखिरी के जब मैं बोलूंगा लाइक 23, 25 और 27, ये 3 दिन मेरे पेपर थे, ठीक है, टेस्ट में, तो इनमें मेरा स्कोर अचानक 650 प्लस हो गया था। तो इन 3 दिन में ऐसा तूने क्या किया कि तेरा इतना ज़्यादा? मैं बताता हूँ, 15 तारीख के बाद से मैंने क्या किया था, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी भी तुम स्टार्ट कर सकते हो। जो मेरी प्रीवियस मिस्टेक्स थी, मैंने देखा कि मेरे क्या क्या मिस्टेक्स थे, क्या क्या मेरी गलतियाँ हुई है, मैंने एक मतलब मुझे काफ़ी टाइम लगा था, मुझे 8-9 घंटे लग गए थे सब देखने में, मैंने सारे पेपर देखे अपने पिछले के, ठीक है, कितने भी पेपर थे, कितनी क्या क्या गलतियाँ हुई उनमें। जिस तरह मुझे पता चला कि फिजिक्स में मेरा ट्रांजिस्टर वीक है, ठीक है, तो पहले मैंने लिख लिया क्या क्या मेरा वीक है और क्या क्या मेरा ऐसा वीक है जो इम्पोर्टेंट है। हाँ। समझ रहे हो, कई बार ऐसी चीज होती है तुम्हें लगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, क्या पता क्वेश्चन इतना हार्ड हो, है ना। फिजिक्स में कई बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे देते हैं कि जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ। या फिर जेई मेन का एक बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन वो डाल देते हैं ताकि बच्चे जो है वो स्कोर कम करें, ठीक है ना, वो टॉपर और एवरेज के बीच में काफी डिफरेंस रखने की कोशिश करते हैं, है ना। टिपिकली बच्चे पढ़ते भी होंगे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो उस चीज़ को देखते हुए, है ना, तो उन क्वेश्चंस पे आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। काफ़ी मैं भी चिंता करता था कि यार जिस तरह मॉड्यूल्स में पढ़ता था, ठीक है, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे, मैं सोचता था ये क्या हो रहा है, हाँ देखो टेस्ट पेपर मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लिया, एलन आकाश किसी मैंने तो अपनी ड्रॉप जर्नी में मॉड्यूल किया ही नहीं थे, मेरा तो सिंपल था एनसीईआरटी पढ़ो बस। मैंने भी अगर मैं स्टार्टिंग बोलूंगा तो जब मैं 11th क्लास में था तब काफ़ी मैंने लाइक मॉड्यूल्स वगैरह करते, बट लास्ट में मुझे पता चल गया कि अगर मैं मॉड्यूल्स ही करता रह गया ना तो ना मैं मेरा नीट में होगा ना मैं कोचिंग के टेस्ट पेपर्स में स्कोर कर पाऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई याद नहीं रख सकता, आपको एक ही चीज़ यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। बकवास चीज़ें रहती है मॉड्यूल में, बस इन्फॉर्मेशन डाल के रखते हैं हवा बनाने के लिए कि हाँ हमारे मॉड्यूल में ये वाले बस ये वाले से डालने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को ये लगे कि हाँ कि जो कंटेंट है हम बहुत अलग ज्यादा दे रहे हैं, तो हम लोग मेरे को क्या लगता है ना, आकाश वाले सोचते हैं कि हम एलन से ज्यादा कंटेंट डाले, एलन वाले सोचते हैं हम आकाश से ज्यादा कंटेंट डाले, बस ये इंटरनल मामला है इनका, मॉड्यूल में तो जाता ही नहीं हूँ मॉड्यूल में, मतलब वही है कोचिंग का। आप बस अपना देखो प्रिपरेशन कि आपको कैसे रिवाइज करना है, ठीक है, मेन रिवीजन का स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया, देखो एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट अगर मैं फील करूंगा तो है ना, जैसे मैं ज्यादा फील तो नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर मैं सोचूं कैसे फील करेगा, ड्रॉपर तो मैं था ना, तू कैसे बट स्टिल एक स्टूडेंट की अगर मैं आपको ऐसे सोच के बताऊं कि देखो कोई स्टूडेंट के बहुत कम नंबर आ रहे हैं इस टाइम पे, देखो 10th में दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, है ना, एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं, है ना, 12th, लेकिन 12th वाले थोड़े इस चीज़ में बस चिल रह जाते हैं कि आए कि अटेम्प्ट अगले साल ड्रॉप कर लेंगे या फिर ये सब रहता है। देखो
इसमें देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा टेंस की स्टेज में हो ना, कि आपको लग रहा है कि नया नंबर बढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो जो मैंने प्रीवियस मिस्टेक वाला बोला वो एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए तो देखो काम कर गया था वो, क्या पता आप में से भी किसी के लिए काम कर जाए, है ना? क्या पता आपको स्कोर में बहुत ज़्यादा स्पाइक मिल जाए, जो फिर आपने मान ली मिस्टेक देख ली अपनी, फिर क्या करें? उन टॉपिक्स से मैंने बोला ना कि एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलग कर लिया, कि वो तो पेपर में आती है यार, हर पेपर में मेरे से गलत हो रहा है, इसका मतलब मेरे में एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ इस टॉपिक में, है ना? या फिर अपने पास जो होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने तो नेगलेक्ट कर दो, जो मैंने बोला, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट अब उनमें देखो, अब उनका देखो थ्योरी पढ़ लो, जो लेक्चर नोट्स वगैरह थे, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो देख लो, इतनी सारी होती है ना, तो पता ही होगा तुम लोग, कई सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, है ना, जो बढ़िया पढ़ाते हैं, तो वैसे आप देख लो, है ना? तो बस यही ओवरऑल स्ट्रेटेजी लास्ट डे में आप रख सकते हो। बाकी मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि देखो तैयारी किसी की ऐसा नहीं होता कि हर किसी की तैयारी परफेक्ट ही होती है। मेरी तैयारी मुझे नहीं लगता मेरी तैयारी परफेक्ट थी, क्योंकि मुझे अब भी याद है मेरे ट्वेल्थ के कुछ चैप्टर्स, टॉपिक्स भी नहीं चैप्टर्स भी रह रखे थे, जैसे कि शुरुआत के एक दो चैप्टर थे जो मेरे बहुत कमज़ोर थे, लाइक बिल्कुल अगर मेरे से क्वेश्चन आ जाता ना तो लाइक मेरा गलत होने के चांसेस थे। बट फिर मैंने देख अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा कि यार कोई नहीं, देख लेंगे, जो होगा सो होगा। लेकिन जब पेपर में गया ना, तो जो टॉपिक्स मेरे को नहीं आते थे ना, वो सारे ऑप्शनल में क्वेश्चन थे, तो पता है मैंने क्या हुआ था, इतनी खुशी हुई थी ना मेरे को, जैसे 15 क्वेश्चन थे, तो क्या था, ऐसा था कि 5 क्वेश्चन 12th थे और 10 क्वेश्चन 11th के थे अपने वाले में, तो वो 5 क्वेश्चन मेरे को पांचों में से ऐसा, मतलब ये डाउट था कि इसको मैं नहीं कर सकता, ये थोड़ा हार्ड है मेरे लिए, और तो 10 क्वेश्चन थे 11th के मैंने वो कर दिए। तो यार कभी कभी किस्मत भी काम कर जाती है, तो किस्मत बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बाकी तो ये नहीं है। बाकी मेन मोटिव होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना नीचे मत गिरने दो, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप लग जाएगा, है ना? लेकिन अगर तूने अभी हार मान ली ना, मुझे नहीं लगता तेरे ड्रॉप में भी सिलेक्शन होगा। अपना बेस्ट दे, अभी कितने दिन है, 20 दिन बचे हैं ना, 20 दिन है, बहुत घंटे अभी तेरे पास, क्या करना? मान ले तेरे 500 भी आ रहे हो, क्या पता तू कुछ चीज़ें करके नीट में 610-620 ले आए। मैं ये नहीं कह रहा तेरे 700 ही आएंगे, 620-630 ले आए, वे कॉलेज मिल जाएगा एटलीस्ट, ये रहेगा। तो ये फैक्टर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, पता है मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा कहते थे जितना इधर स्कोर कर रहे हैं ना, अगर तेरा कॉन्फिडेंस है अच्छा, उससे प्लस 50 ऐड कर लियो। और मेरे साथ यही हुआ था, मेरे हाईएस्ट स्कोर कभी 620-630 आते थे, 30-40 आते थे, एग्जाम से पहले शायद एक बार 640 आए थे मेरे हाईएस्ट, और नीट में आए जब मैंने स्टार्टिंग में जोड़े जब तो 680 आ रहे थे, फिर वो तो होता ही बाद में कम हो जाते हैं। तो वही है, मतलब प्लस में ही नंबर आते हैं अगर आप तेरे में कॉन्फिडेंस है। बाकी एक और बताऊं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मेरे एक दोस्त है उसके मेरे से हमेशा 680 के आसपास नंबर आते थे कोचिंग में, कोचिंग कह ले या फिर जो टेस्ट देता तब, तो 680 से उसके अब आए थे 621 आए थे, उसको कोई उड़ीसा वगैरह में कॉलेज मिल रहा है, इतना मेरे को याद नहीं है। बट वही है कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है, तो कॉन्फिडेंस डाउन मत होने दे फिलहाल, कुछ भी कर, बस कर, 20 दिन है बहुत है तेरे पास, अपनी मिस्टेक्स देख, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर, कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उनको कर फिलहाल, बार बार रिवीजन कर उन चीज़ों को, जो तू चीज़ भूल रहा है उनको बार बार देख। बाकी और तो और कुछ ऐड करना चाहोगी? देखो एक चीज और है कि देखो पेपर वाले दिन ना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि बोला मैंने तो पेपर से 3 दिन पहले स्ट्रेस लेना छोड़ दिया, अपने भगवान के नाम ले खुश रहो। हाँ बट ये है कि देखो आप एक चीज मैं बोलूंगा कि देखो जनरली लोग बोलते हैं एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए पेपर के, है ना, बट आप बिल्कुल भी नर्ल होके मत चले जाना एक तरीके से मैं बोलूंगा, हाँ कि आप बिल्कुल ही नर्ल होके जा रहे हो, बिल्कुल ही चिल्लो के पेपर जा रहे हो, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा चिलनेस में भी हम लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। लाइक मैंने काफ़ी मिस्टेक्स करी है, ठीक है, मैंने इतनी सी मिस्टेक करी शायद कोई ना करता होगा फिजिक्स के पेपर में, है ना, पूरे आंसर्स निकाल रहा हूँ लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ और नंबर चले गए, स्टिल अच्छा स्कोर आया है, मेरा इससे ज़्यादा स्कोर कभी नहीं आया था। कितना आ सकता था? मेरा तो 710 आ सकता था पर्सनली, देख रहे हो तुम्हारे आए 710, मेरे भी नहीं आए, चिंता मत करो। बट ठीक है देखो मैं जो भी बोलूंगा, हाँ एक परफेक्ट रहेगा। देखो मैं एक चीज बोलूंगा, एक सिंगल पेपर आपकी ना चीज डिसाइड नहीं कर सकता। आपने मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं, भैया मैंने इतनी मेहनत कर ली, ठीक है, अब यार मेरे नीट में नंबर नहीं आएंगे तो क्या फायदा हुआ, ऐसा नहीं होता। देखो वो जो आपने इतना एक्सपीरियंस हार्डवर्क आपने कहीं पर भी डाला है ना, आपको कहीं ना कहीं बाद में ना पक्का हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ उसकी ड्रॉप जर्नी अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। ड्रॉप जर्नी की बात ही नहीं है, आप
20 दिन में 1 दिन भी वेस्ट मत करो। 20 के दिन 20 दिन पढ़ने हैं, डेफिनेटली तेरा स्कोर 100-200 से बढ़ेगा, ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर तुम अपनी पूरी जर्नी में डिसिप्लिन रहे हो ना, तो तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कोर आएगा उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इतना, देखो अभी, ठीक है, तुम्हारे नीट में देखो नंबर आएंगे, अगर तुम डिसिप्लिन थे ना पहले भी तो तुम्हारे नंबर आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुम्हें चीज़ें आती हैं, पहले तो ये समझो कुछ लोग ना इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस उनमें कम हो जाता है कि यार हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, ये चीज़ तो है। नीट में देखो फिजिक्स में बिल्कुल बिल्कुल खराब क्वेश्चन आएंगे, जो तू एनसीईआरटी भी पढ़े होगे ना तूने फिजिक्स की, तो भी तू कर लेगा। तो टेंशन मत ले इस चीज़ की कि यार मुझे फिजिक्स नहीं आती, मुझे वो नहीं आती, कुछ मत कर। एक बार एनसीईआरटी लास्ट टाइम कर लियो, इनटेक्स्ट क्वेश्चन कर लियो, फायदे में रहेगा बहुत ज्यादा। इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद तुमसे सारे नहीं होंगे, मैं बता भाई हार्ड होते हैं इनटेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं एनसीईआरटी को ऐसे समझता हूं, कभी एनसीईआरटी खोल के देखना फिजिक्स की, बहुत मुश्किल है, पीछे भाई है, मैंने की है एनसीईआरटी, बहुत ज्यादा आता है भाई एनसीईआरटी से। तो फिजिक्स में तो मैं बता रहा हूँ कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो तेरे को सेम मिलेगी। कई लोग मतलब ऐसे मान लेते हैं ना कि फिजिक्स के एनसीईआरटी हल्के में ले लेंगे, ये ले लेंगे, खरीदते नहीं है भाई कुछ लोग तो। भाई कभी खोल के देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, शायद नीट से भी 3-4 लेवल के ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं भाई, आराम से मिलते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो बाकी 20 दिन के लिए तो और क्या ही बताएं, बेस्ट ऑफ लक यार, कुछ नीड आएगी तो मैं वापस वीडियो अपलोड करता रहूंगा अब तो रेगुलर। चलो देन, बाय, थैंक यू।